हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमाल देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षित ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पवित्र गंगोत्री धाम से। अभी मैं आ रखी हूँ गंगा जी के पास और ये मैं लेके आ रखी हूँ अपने सोमेश्वर देवता का प्रतीक चिन्ह, तो इसको भी गंगा स्नान कराएंगे। गंगा जी के दर्शन के बाद, अपने सोमेश्वर देवता का स्नान कराने के बाद, अभी मैंने माता रानी के दर्शन किए और आज भी काफी भीड़ है यहाँ पे और बारी बारी से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। भाई जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी बोतलें बिकेगी सब एक QR कोड लगा होगा और उसके बाद ये कलेक्शन सेंटर में जमा होगी, उसके बाद उन्हें जो है रिफंड 10 रुपये किया जाएगा माध्यम से। और यहाँ पे माँ भगवती गंगा जी के सामने है शिवालय, इसके भी दर्शन मैंने कर लिए और यहीं से स्नान घाट का रास्ता। और यहाँ पे आए हुए हैं मेरे भतीजे, भतीजे की बहू जो गढ़ से हैं, मेरे फूफजी के नाती हैं। तो ये नाती तो पहली बार आए हैं लेकिन उनकी जो बहू हैं वो कई बार आती हैं और एक जो बहू है वो तो यहीं से है, मुखबा से ससुराल है। तो ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे और अभी मिले मुझे। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो अभी हम लोगों के कुछ जजमान आए हुए हैं दिल्ली से, तो अभी उन लोगों की पूजा वगैरह होगी। तो उनके साथ ना 2-3 डॉगी हैं जो बहुत ही प्यारे हैं और ये देखो अभी इनकी पूजा होगी यहाँ पे। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, एक ये है, एक जैसे हमारा बुज है, लेफ्ट से मुई है और एक ये है और इसका नाम है सिया और लिया। ओहो दोनों की जोड़ी देखो। और ये छोटे वाले ना इसको डरा रहे हैं बड़े वाले लैब। अभी हमारे जो जजमान आए हुए हैं पूजा करवा रहे हैं और मेरे हस्बैंड उनकी पूजा कर रहे हैं। श्री भैरव जगतारिणी चिन्ह बालवो दुख निवारिणी नक्षत्रायो मशिनम्मा यम मिशाणम सर्वलोकम मयकाणम्मा। तिलक लगा रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रह तुझा मंगलम पुंडरीकाक्षा। गंगोत्री धाम में दूर दूर गांव से देव डोलियां आ रही है और गंगा स्नान कर रही है। भगवान की भक्ति होती है। माँ गंगा आपको निरोगी रखे, घर में सबसे बड़ा धन है सुख शांति, घर में सुख शांति बने रहे, कारोबार में गंगा जी दिन पर दिन वृद्धि करे और आपके हाथों से परोपकार होता रहे, ऐसे माँ गंगा से। बोल गंगा अभी जजमानों की पूजा होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों का घर बन रहा है। तो जो ये हमारे जजमान है दिल्ली से, तो इन्हीं के सौजन्य से वो बन रहा है, उसमें छत पड़ गई, बाकी अंदर का काम होना बाकी है। तो अभी मैं उस आपको उसी जगह पे जहाँ पे घर है वहीं पे लेके जा रही हूँ। और यही है हमारे जजमान लोग जिनके सौजन्य से हम लोगों के यहाँ पे 2 कमरे बन रहे हैं, तो यही लोग बनवा रहे हैं और अभी जा रहे हैं वहीं पे।
तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आजकल इसमें छत पड़ चुकी है और जो अंदर ढोले वगैरह होते हैं ना वो भी खुल गए और ये पड़ गई छत और बाकी रह गया अंदर का काम। और मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हमारे जजमान आए हुए थे, उनके साथ में घूमी और अब हमारी तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। और हमारे घर के आगे भी ना अभी तक भी इतनी बर्फ इकट्ठी हो रखी है, तो अभी हम लोग निकल गए अपने घर गंगोत्री से। तो अभी हम लोग पहुंच गए पार्किंग पे, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। और ये है गंगोत्री की पार्किंग जो एकदम बस अड्डे के नीचे है, तो यहीं पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती है। बाकी जितने भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं यहीं पे उतर रहे हैं और यहीं से गंगा मंदिर तक पैदल जा रहे हैं। और काफी भीड़ भड़ाका चहल पहल हो रखा है गंगोत्री धाम में। और शाम के 4 बजे मौसम की बात की जाए तो फिर से बादल आने लग गए और काफी ठंड बढ़ने लग गई। और आप देख रहे होंगे यात्री लगातार चल ही रहे हैं अपनी गाड़ी को पार करने के बाद यहाँ से पैदल माँ भगवती गंगा जी के मंदिर तक। गंगा जल अभी हम लोग निकल गए यहाँ से। खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हेलुगाड़ में। तो हम लोग जब भी यहाँ से आना जाना होता है तो इसी होटल में चाय पीते हैं और चाय के साथ साथ गर्मा गर्म मैगी, चटपटी मैगी, वो हम लोगों ने ऑर्डर कर रखी है और अभी पीते हैं चाय और मैगी का आनंद लेते हैं। गर्मा गर्म चाय भी पी ली और चटपटी मैगी भी खा ली। तो अब खूबसूरत सफर तय करते हैं, निकलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी मैं पहुंच गई अपने घर उत्तरकाशी में, तो काफी थकान लग गई। और हमारे बुजो ना मेरे इंतजार में, बुजो तो काफी थकान हो गई क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से जब से माँ भगवती गंगा जी का जल सब मुखवा से निकला तब से आज तक चली रहे हैं तो काफी थकान लग गई। अभी पहुंच गए घर पे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।